नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड सरकार ने स्कूल और कॉलेजों को दिया तोहफा, मिलेंगे 39,26,00,000 रुपए। झारखंड सरकार राज्य के 268 स्वीकृत विद्यालयों को अनुदान देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुदान देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। उन्होंने शनिवार को स्वीकृत माध्यमिक विद्यालयों, इंटर महाविद्यालयों, संस्कृत विद्यालय और मदरसों को 39,26,34,865 रुपए की धनराशि आवंटित की। अनुदान का प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने रखा था। अनुदान के लिए कुल 339 शैक्षणिक संस्थाओं ने आवेदन किए थे। इनमें 157 इंटर महाविद्यालय, 121 माध्यमिक विद्यालय, 29 संस्कृत विद्यालय और 32 मदरसे शामिल थे। विभागीय अनुदान समिति द्वारा बैठक कर आवेदनों को स्क्रूटनी की गई। इसके बाद 267 आवेदनों को स्वीकृत किया गया, जबकि 22 विद्यालयों के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया और 50 स्कूलों के आवेदन लंबित है। झारखंड के सहायक अभियंता परीक्षा यानी कि जेपीएससी परीक्षा में 16,856 आवेदन रद्द। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नगर विकास विभाग में सहायक अभियंता सिविल, मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिक के होने वाली नियुक्ति परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन में 16,856 आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए गए। वहीं इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 7,785 अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए गए हैं। आयोग ने रद्द एवं स्वीकृत आवेदनों की सूची जारी कर दी है। बता दें कि यह परीक्षा 9 से 11 अप्रैल तक रांची के विभिन्न केंद्रों पर होगी। पहले दिन यह परीक्षा एक पाली तथा दूसरे व तीसरे दिन दो दो पालियों में आयोजित की जाएगी। जेईई मेन एग्जाम 2021 के लिए एनटीए ने दी बड़ी राहत। परीक्षा में बैठने के लिए छात्र दोबारा कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने जेईई मेन में शामिल होने के लिए 4 मौके दिए हैं। फरवरी और मार्च सत्र की परीक्षा हो चुकी है, अब अप्रैल और मई सत्र की परीक्षा होने बाकी है। चारों परीक्षाओं के लिए एक साथ ऑनलाइन आवेदन पहले किया जा चुका है। अब एक बार फिर से एनटीए ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। अप्रैल और मई दोनों सत्र के लिए छात्र दोबारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 4 अप्रैल तक छात्रों का यह मौका मिलेगा। 5 अप्रैल तक फीस जमा करने का समय है। ऑनलाइन आवेदन करके फीस जमा कर सकते हैं। वहीं पर तीसरे सत्र की परीक्षा 27 से 30 अप्रैल तक चलेगी। दो पालियों में होने वाली परीक्षा 27, 28, 29 और 30 अप्रैल तक चलेगी। छात्र आवेदन पत्र में अपनी सुविधा अनुसार शिफ्ट और दिन का चयन कर सकेंगे। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में होली के 48 घंटे बाद फिर करवट लेगा मौसम। राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में रविवार से मौसम का मिजाज बदल गया है। आसमान में बादल छाए रहे हैं। आगामी 31 मार्च के बाद फिर से आसमान साफ हो जाएगा। अधिकतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी के आसार हैं। अगले 24 घंटे में तापमान में कमी आ सकती है। वहीं पिछले 24 घंटे में शहर का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में आर्द्रता की मात्रा अधिकतम 37% तथा न्यूनतम 25% दर्ज किया गया। मौसम में लगातार परिवर्तन देखा जा रहा है। अधिकतम तापमान ऊपर नीचे होता जा रहा है। ऐसे समय में लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखने की आवश्यकता है। मौसम में बदलाव के साथ शरीर पर इसका सीधा असर पड़ता है। ऐसे में खान पान से लेकर कपड़े तक पहनने में विशेष रूप से सावधानी रखी जानी चाहिए। डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि मौसम के साथ बदलाव के लिए शरीर को थोड़ा समय चाहिए, लिहाजा जरूरत के हिसाब से खान पान से लेकर रहन सहन में सजग रहें। झारखंड में कोरोना से आज 3 की मौत, फिर मिले 314 पॉजिटिव। झारखंड में लगातार तीसरे दिन 300 से अधिक नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। रविवार को राज्य में 8,185 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 314 लोग संक्रमित पाए गए। रांची में सबसे अधिक 182 संक्रमित मिले। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 40, बोकारो में 15, साहिबगंज में 13, धनबाद व पाकुड़ में 10, कोडरमा में 9, देवघर में 8, दुमका, गुमला में 4, हजारीबाग, लोहरदगा, रामगढ़, जामताड़ा में 3, लातेहार में 2, गढ़वा, पलामू, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, खुट्टी में 1 नए संक्रमित मिले। अब सभी जिलों में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण हो गया है। इधर रविवार को राज्य में 76 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं रांची, धनबाद तथा पूर्वी सिंहभूम में 1-1 मरीज की मौत भी हो गई। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर अब 1,871 हो गए। झारखंड को केंद्र की सौगात, 3,000 करोड़ से ज्यादा के सड़क, पुल और ओवरब्रिज प्रोजेक्ट होंगे शुरू। झारखंड में राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों की सड़क परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। इसके तहत रांची से अन्य जिलों को जोड़ने वाली सड़कों के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, पुल, कलवर्ट और ओवरब्रिज के निर्माण जैसे काम होंगे।
करीब 3,395 करोड़ रुपए से ज्यादा इन परियोजनाओं के बारे में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को पत्र लिखकर जानकारी दी है। केंद्रीय परिवहन मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में रांची के कचहरी चौक पिस्का मोड़ बिजुपाड़ा और पिस्का मोड़ से पेमा तक सड़क निर्माण का प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कई सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के साथ साथ पुल कलवर्ट और ओवरब्रिज के लिए राशि मंजूरी की है। रेलवे ने बदले नियम, यात्रियों पर लग सकता है भारी जुर्माना। भारतीय रेल ने कुछ नियम कायदे बदले हैं। यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ट्रेनों में सफर के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव किया है। हाल के शताब्दी ट्रेनों में आग लगी की बड़ी घटनाओं के बाद महत्वपूर्ण यात्री सुविधाओं में कटौती का ऐलान किया है। इसके साथ ही ट्रेनों में स्मोकिंग और ज्वलनशील पदार्थ को लाने ले जाने पर कड़ाई से रोक लगाने के लिए बड़ा अभियान छेड़ा है। रेलवे की ओर से कहा गया है कि ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है, इस लिहाज से सफर को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ने ये बड़ा कदम उठाया है। रांची एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइटों का समय बदला। आज से रांची एयरपोर्ट पर अगले एक महीने तक फ्लाइट दिन में नहीं उड़ेगी। रनवे को दुरुस्त करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह फैसला लिया है। 28 मार्च से 27 अप्रैल तक ये बंदिशें लागू रहेंगे। रविवार से यहां आने जाने वाले सभी विमानों का समय बदल गया है। इसके साथ ही रांची से अब भुवनेश्वर के लिए भी उड़ान सेवा उपलब्ध हो गई। एयर इंडिया की यह उड़ान कोलकाता से वाया रांची भुवनेश्वर पहुँचेगी। रांची एयरपोर्ट के अधिकारी ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। झारखंड सरकार ने बदले कुछ नियम, इस तरह अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे कोरोना के मरीज। राज्य सरकार ने कोरोना मरीज के अस्पताल से छुट्टी देने के नियम में बदलाव किया है। इसके तहत बिना लक्षण वाले मरीजों की 7 दिनों में जांच होगी। यदि इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। यदि वह 7 दिनों बाद भी संक्रमित मिलता है तो उसकी अल्टरनेट डे पर तब तक जाँच होती रहेगी जब तक उसकी रिपोर्ट नेगेटिव ना आ जाए। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मरीज को अगले 7 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना होगा। यह नियम होम आइसोलेशन वाले मरीजों पर भी लागू होगा। वहीं गंभीर मरीजों की 10 दिनों बाद जांच होगी। यदि जांच में उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उस अस्पताल से छुट्टी देने से पहले यह देखना होगा कि पिछले 3 दिनों में मरीज का कोई लक्षण तो नहीं था। नेगेटिव रिपोर्ट आने पर वही नियम लागू होंगे जो अन्य मरीजों में लागू होंगे। झारखंड में नितिन गडकरी 3 अप्रैल को करेंगे 2000 करोड़ के 25 NH प्रोजेक्ट का उद्घाटन। राष्ट्र उच्च पथ की 2 दर्जन परियोजना का शिलान्यास 3 अप्रैल को होगा। ऑनलाइन शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर केंद्र मंत्री नितिन गडकरी ने आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को भी आमंत्रित किया है। इसको लेकर गडकरी ने अर्जुन मुंडा को चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी के साथ गडकरी ने तमाम योजना के बारे में जानकारी भी दी है। अर्जुन मुंडा को आमंत्रित करते हुए उन्होंने बताया कि झारखंड के इन योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास को लेकर 3 अप्रैल को 11 बजे सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुट जाएंगे और फिर योजना का शिलान्यास होगा। हरियाणा से चैंपियन बनकर लौटी झारखंड की हॉकी टीम, पेनाल्टी शूट आउट में 3-1 से पराजित कर जीता पहली बार गोल्ड। हरियाणा के जींद में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली झारखंड टीम का रविवार को सिमडेगा में भव्य स्वागत किया गया। 25 मार्च को झारखंड टीम ने मेजबान हरियाणा टीम को पेनाल्टी शूट आउट में 3-1 से पराजित कर झारखंड के लिए पहली बार गोल्ड मेडल जीता। टीम में 10 खिलाड़ी सिमडेगा से और 4 खिलाड़ी खूंटी जिले के हैं। मन की बात में पीएम मोदी ने की झारखंड के नवीन की प्रशंसा, बिरसा मुंडा को लेकर कही ये बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम पूरे देश में लगातार हो रहे हैं। अलग अलग जगहों से इन कार्यक्रमों की तस्वीरें और जानकारियां लोग सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। नमो ऐप पर भी ऐसी ही कुछ तस्वीरों के साथ झारखंड के नवीन ने मुझे संदेश भेजा है। उन्होंने लिखा है कि अमृत महोत्सव के कार्यक्रम देखने के बाद नवीन ने तय किया है कि वह भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कम से कम 10 स्थान पर जाएंगे और उनकी लिस्ट पहला नाम भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थान का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें मन की बात संस्करण में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी को देश के दूसरे हिस्से में पहुंचाने के जज्बे के लिए झारखंड के नवीन की तारीफ भी की। दोस्तों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही एक बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।